हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकिता डिमर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किला पाड़ी स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 13। नाउ क्रॉस चेक फॉर हरिशरण। ओके, ये स्टोरी है उसमें क्रॉस चेक करना है हमको। ओके, हरिशरण वांटेड टू डिवाइड ₹2,456 अमंगस्ट हिज 4 सन्स। He asked his eldest son to tell him how much money each one will get। यहाँ पे एक पर्सन है हरिशरण है, उसके उसके पास 2,456 रुपीज है। उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों? ये हरिशरण है, ये उसके चारों सन है, 4 सन है उसके, और उसमें क्या है, eldest son यानी सबसे बड़ा सन जो है वो क्या कर रहा है, जो 2,456 है उसके उसको 4 से डिवाइड किया। ओके, और क्यों 4 सन है, तो 4 सन को उसने इस सन को मनी देना था ना, इसीलिए उसने क्या किया, डिवाइड किया 4 से। ओके, पापा ईच ऑफ अस विल गेट 2,456 डिवाइड 4। आंसर क्या आया, ₹624। यानी सन ने काउंट किया और कहा उसके पापा हरिशरण को, उसके पापा उसको कहा कि ईच यानी हर एक जो उसके ब्रदर है ना, हर एक सन हरिशरण के जो 4 सन उसको ₹624 यानी फर्स्ट सन को ₹624 दिया, सेकंड को दिया, थर्ड को दिया। ओके, और व्हेन हरिशरण स्टार्टेड गिविंग ₹624 टू ईच सन, ही वाज लेफ्ट विथ लेस मनी फॉर द यंगेस्ट वन। यानी फर्स्ट को दिया, सेकंड को दिया, थर्ड को भी ₹624 दिया, और फोर्थ सन यानी सबसे छोटा, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, तो उसने क्या किया, पैसे कम पड़े। ओके, इट सीम यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, लेट मी चेक। क्या इस उसका सन है ना, उसका जो बड़ा, ओके एल्डेस्ट सन, उसने क्या किया, मिस्टेक कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। हरिशरण मल्टीप्लाई 624 विथ 4, यानी जो उसको उसे डिवाइड किया ना, वो आंसर 624 होगा। और उसने क्या किया, हरिशरण ने 624 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यानी 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 4 6 24। हमारा क्या है, डिवाइड 2,456 है, यहाँ पे 2,496 यानी मिस्टेक हुआ ना। ओके, हम दिस सो यू हैव डन द डिवीजन रॉन्ग, ये डिवीजन रॉन्ग था ना। ओके, द सन डिड द डिवीजन अगेन, सन ने अगेन डिवीजन किया, 2,456 का डिवाइड 4 किया, तो आंसर क्या होगा, 640, यानी उसने फिर से डिवीजन किया। ओके, 4 के साथ आपको पता है 2 नहीं ले सकते, झूठा है ना, 4 से 2 नंबर ले सकते हैं। क्या होगा, 4 के टेबल में 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 4 6 क्या होगा, 24 होगा। यहाँ पे 0 एड, सेम वे ऊपर की साइड में 0 लिख सकते हैं और ऐड करते हैं। यहाँ पे माइनस करना है, 6 5 माइनस 0 5 0 0। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, तो 4 1 4 होता है ना, 4 1 4, यहाँ पे 0, सेम ऊपर की साइड 0, माइनस करना है, 6 5 माइनस 1। ओके, और पता है ना, 4 के मल्टीप्लिकेशन करोगे 60 होगा, किस नंबर से करोगे, 4 4 16। ओके, अब आपको पता है आंसर का क्या करना है, जो आंसर होगा उसका ऐड करना है, 600 प्लस 10 प्लस 4 क्या होगा,
614. ओके समझ में आया. बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक ऑन हिज ओन. ओके उसका जो बड़ा सन था ना उसने फिर से चेक किया. ओके और फादर को दिया. 614 का 4 के साथ मध्य विक्षण किया तो क्या हुआ आंसर. नाउ इट इज करेक्ट. ईच वन विल गेट रुपीज 614. यानी जो हमारा आंसर 614 है ना उसका मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ किया तो हमको ये आंसर मिलना चाहिए. क्वेश्चन में दिया है ना वो मिलना चाहिए. यानी 4 4 जा 16 1 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 1 5 4 6 जा 24 हो गया ना 2456 करेक्ट आंसर. यानी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ना. ओके आप भी जब भी डिवीजन का एग्जांपल हो तो आप इस तरह का आंसर लिखना और जो आंसर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना तो ये होगा. ओके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है प्रैक्टिस टाइम. ओके तो ये और ये उसमें डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन है तो आपको होमवर्क में करना है ना. ओके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है डिवीजन का है. डू दिस डिवीजन चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन. यानी यहाँ पे 438 है. ओके तो कैसे करें आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ उसके बाद आपको होमवर्क में करना है. 438 डिवाइड 9. ओके समझ में आया. अब यहाँ पे दो नंबर लेंगे हम. क्यों यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे 4 छोटा है दो नंबर लेंगे. 9 के टेबल में 43 कब होगा. 9 1 9 आपको ये टेबल लिखना है. 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 यह 43 43 से कम नंबर क्या है. 9 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी 36 है. 9 4 36 यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं. सेम ऊपर की साइड माइनस करना है. 8 माइनस 0 8 यहाँ पे 13 यहाँ पे 3 13 माइनस 6 यानी क्या होगा 7 3 माइनस 3 0 अब 78 है. 9 के टेबल में 78 कब होगा. 9 6 54 9 7 से क्या होगा 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90 ओके तो यहाँ पे 78 से कम नंबर 9 8 है ना. 9 का हम 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 72 होगा और माइनस करना है. 8 माइनस 2 6 7 माइनस 7 0 रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा ना. यानी यहाँ पे डिवाइजर उसको बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर. ओके उसको क्या बोलते हैं जो आंसर उसको क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन. ओके क्वेश्चन बोलते हैं और समझ में आया उसको रिमाइंडर बोलते हैं. ओके यानी उसका क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम डिवाइजर इनटू क्वेश्चन. ओके प्लस रिमाइंडर ये करेंगे तो आंसर हमारा ये होगा तो ये करेक्ट होगा ना. यानी डिवाइजर क्या है 9 है. क्वेश्चन क्या है 4040 प्लस 8 यानी 48 है प्लस रिमाइंडर हमारा 6 है. ओके 48 इंटू 9 क्या होगा 48 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन. 9 8 72 7 कैरी 4 9 9 4 36 7 8 9 40 ओके 1 2 3 43 होगा ना. ओके 432 प्लस 6 क्या होगा 438 समझ में आया. आंसर इज करेक्ट ना. ओके हमें 438 का 9 के साथ डिवीजन किया
आंसर 48 होगा, यानी हमारा डिवाइजर 9 होगा, क्वेश्चन 48, रिमाइंडर ये होगा। तो हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, आंसर हमारा कैसे राइट हो सकता है, इसीलिए हम इस फॉर्मूला से चेक करेंगे। डिवाइजर 9 है, क्वेश्चन 48 है, प्लस रिमाइंडर 6 है, तो वैल्यू पुट अप की आंसर हमारा 438। क्रॉस चेक किया, ओके। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है होमवर्क में, ओके। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।